नमस्कार जनप्रिय, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं अनु धानुका, जिन्होंने हाल ही में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना एक स्थान बनाया है, इंडिया मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018, जो ग्रीष्म में होगा और उसका फाइनल सितंबर में होगा। उसके लिए गौरव की बात है कि राजस्थान से अकेली पार्टिसिपेंट हैं उसमें। अनु, आपका जनप्रिय में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये अचानक कैसे आपको पसंद आया कि मुझे भी इस ब्यूटी प्रेजेंट में जाना चाहिए? मैं एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे को डॉटर हुई थी, तब मेरी बड़ी डॉटर ने मुझे कहा था, मम्मा मुझे आप वापस से अपनी शेप में चाहिए हो, तो मैं उसके लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू किया। मेरा वजन 30 किलो बढ़ गया था डिलीवरी के बाद। मैं एक्सरसाइज कर रही थी एंड तभी मैं बैठी बैठी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने इसका ऑडिशन का देखा था दिसंबर एंड में। मैंने सिर्फ ऐसे ही दिसंबर भर दिया ऑडिशंस, जनवरी में मेरे ऑडिशंस हुए और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मिसेज इंडिया बनने का सपना मेरा तब से था जब से मैं कॉलेज में थी, क्योंकि तब 2002 में मुझे अच्छे से याद है एक सीरियल आया करता था किटी पार्टी, वहां पे उसमें मैं देखा करती थी लेडीज को बहुत, तो तब से मेरा बड़ा मन था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। पढ़ाई, नौकरी, घर, शादी, मिस इंडिया के लिए क्यों नहीं सोचा आपने? पता नहीं, शुरू से मिसेज इंडिया बनने का था, क्योंकि मिस इंडिया बनना फिर भी आप आपका बॉडी पोस्चर सही रहता है, आपका फिगर ठीक रहता है, लेकिन मिसेज इंडिया के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। उसमें आपके दोनों परिवार की सहेली होनी चाहिए, फिर आपका कितना सपोर्ट है और आप में कितना कैलिबर है कि आप सब चीजों को एक साथ लेकर चल सकते हो, तो मुझे लगता है ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसीलिए मैंने मिसेज इंडिया बनना हमेशा से मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। कैसा लगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद? बहुत अच्छा, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। मतलब इन्होंने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है उस पर एक बार आने के बाद हमें जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है कि मैं आज आराम से सबके सामने बैठ गई हूँ, बात कर रही हूँ, हम अपने बॉडी को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं, हमें अपने सोशल कॉजेस को लेकर इतनी सारी चीजें, मैं पहले बहुत क्या करती थी जैसे बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो मैं सिर्फ अपने तक रखती थी, मैं करती थी अब, लेकिन मुझे पता लगा कि ये करके सबको जागरूक करना उस चीज को लेकर, इस चीज से मैंने बहुत सीख ली है। ब्लड डोनेशन करना, उससे क्या फायदे होते हैं, पता था, सुना था, किया था, पर इस चीज अवेयरनेस को स्प्रेड करना ताकि हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ सकें। और शायद यही किसी भी पेशेंट का वो होता है कि नॉट टू बी अ मॉडल बट टू बी अ रोल मॉडल। मैं एक रोल मॉडल बनना चाहती थी, इसीलिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। देखिए, इंडिया के उसमें भी अगर हम देखें तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल जो है ये फाइनल हो चुका है या अभी वर्ल्ड वाइड उसके लिए आप पार्टिसिपेंट कर रही है? नहीं, दिस इज द फाइनल टाइटल मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि हर जगह से, यूएस, यूके, सिंगापुर, दुबई, मस्कैट, अलग अलग कंट्रीज से जो इंडियन लेडीज हैं वो उन सबको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है ताकि सब लोग आकर अपना अपना हुनर दिखा सकें। यानी कि एनआरआईज जो है, एनआरआईज की है, हम लोग के ऑडिशन में 10,000 लेडीज थी। गुड, तो 10,000 में से हम लोग टॉप 100 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। फाइनल कब होगा इसका? सितंबर का फाइनल सितंबर में है। ग्रीस में हम लोगों की ग्रूमिंग होगी, तो ग्रीस में हम लोग 10 डेज के लिए रहेंगे, 11th to 20th, और 22nd सितंबर दिल्ली में हम लोगों का ये फाइनल है। कितने राउंड होंगे, क्या क्या इसमें कॉम्पिटिशन होंगे जिसको आपको फाइट करना होगा? इसमें हमारे बीच में काफी सारे राउंड होंगे। बेसिकली जो मेन है वो कैटवॉक है, हम लोग का टैलेंट राउंड होगा, देन हम लोग का ड्रेसेस राउंड है, अलग अलग ड्रेसेस में शूट राउंड है, फोटोजेनिक है, आप कितने पॉपुलर हैं। इन सबके साथ साथ जो बेसिकली हमारे जजेस हमें जज करेंगे वो करेंगे हम किस तरह से रहते हैं, हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कैसे हैं, हम अपने सोशल के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए हम कितना जागरूक हैं, हम उनको कितनी हेल्प कर रहे हैं, तो इन सब बेसिस पे हमें पॉइंट्स मिलते हैं। और जैसे जितने ज्यादा पॉइंट्स आते जाएंगे फिर उतने ज्यादा हमारी मार्किंग बढ़ती जाएगी, और लास्ट में फाइनल्स में जब ज्यूरी मेंबर्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स राउंड लेंगे तब हमें हमारा विजेता घोषित किया जाएगा।
10,000 में से 100 जो सेलेक्ट हुए हैं, इनके क्या क्या दौर हुए, किस किस क्या क्या करना पड़ा आप लोगों को? इसके लिए हम लोगों को पहले हमारी कैटवॉक हुई थी, उन्होंने हमें देखा, हमारे बारे में सुना, हम लोग किस बैकग्राउंड से हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सबने अपने अपने बारे में कुछ कहा। फिर हमारा टैलेंट राउंड हुआ जी। तो टैलेंट राउंड में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं आई थी, मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने डांस किया था राजस्थानी डांस नहीं, वहां पे हम लोगों को एक अब्रप्ट नंबर दे दिया गया था, बस आपको उस पर करके बताना था ताकि वो आपके बॉडी मूव्स देख सके। आपको क्या मिला था डांस में? हम लोग को ग्रुप डांस का मिला हुआ था, सॉन्ग चल रहा था और हमें डांस करना था। गाना नहीं गाया आपने? नहीं, मैंने गाना नहीं गाया। और अभी मैं वापस एक टैलेंट राउंड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, डांस प्रिपेयर कर रही हूँ। टैलेंट राउंड में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? टैलेंट राउंड में बेसिकली आपको आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो आप शो करना चाहते हो, जो बेस्ट है आपका, आपको वो बताना है जी, जिससे आपको लोग जान सके। उसी में से क्वेश्चंस वो उसमें से भी क्वेश्चंस, या हमारे जजेस हमें उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका क्या फोकस है, किस तरह के क्वेश्चंस लाइक कर रही हैं आप इसमें? इसमें मेरे क्वेश्चंस में जो बेसिकली पूछा जा सकता है वो कि मैं ये क्यों बनना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, क्योंकि इतने सारे हैं, यही क्यों? तो इसका मेरा सबसे बड़ा एक यही है, मैं सिर्फ इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मॉडलिंग नहीं, मुझे रोल मॉडल बनना है। मैं चाहती हूँ लोग मुझे देखकर इंस्पायर हों। मैं जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जो गरीब बच्चे हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, उनको बताना चाहती हूँ कि शिव ही शक्ति है, बिना शक्ति के शिव भी शव है। तो जितना ज्यादा हमें खुद के ऊपर विश्वास होगा, हम उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। और ये हर फीमेल जिनकी शादी हो चुकी है, जो सोचते हैं कि शादी के बाद आपकी जिंदगी सिर्फ किचन में या फिर सिर्फ 9 to 5 ऑफिस जो वर्किंग है और उसके बाद किचन और बच्चों में रह जाती है, ऐसा नहीं होता है। आपकी कोई रोल मॉडल है इस क्षेत्र में जिसको आपने भी फॉलो किया हो या सर्च किया हो कि हाँ यार उन्होंने भी ऐसा किया है, कितनी कठिनाइयों के? क्योंकि मैंने कई जो विमेंस आई हैं इस तरह के टाइटल से, जो ब्यूटी प्रेजेंट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बड़ी एक, ये तो बात सही है कि बिना पारिवारिक सपोर्ट के नहीं हो सकता ये, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपको, क्योंकि मैरिज से पहले जब आप मिस होते हैं तो एक ही परिवार की बंदिश होते हैं, उसमें दोनों परिवार की, और उनको आपको मैनेज करना निश्चित रूप से पहला प्लेटफॉर्म तो यही पास करना होता है आप लोगों को। तो उसी में मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा रोल मॉडल बना आपका? पेजेंट में कोई नहीं, बट हाँ मेरे चारों तरफ, मेरे ससुराल में, मैं मानती हूँ कि उन्हें आपको मनाना बहुत वो होता है, लेकिन हाँ अगर आप उनको सही तरीके से मनाएंगे, उनको सही चीजें बताएंगे, तो वो बिल्कुल आपके साथ होंगे। आपका परिवार का मतलब ही होता है कि आप एक मुट्ठी हो, आपको एक सबको, और जो लेडीज होती हैं उनका काम होता है आपको बांध के एक दूसरे को चलना है। तो मेरी सास, मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे हमेशा बताया है कि बेटा, कुछ कुछ शब्द उन्होंने मुझे सिखाए थे, पावर, पैशन और पीस के साथ। आपको सही जगह अपना पावर यूज करना है, जहां पे आपकी इच्छा है वहां पे आपको पैशन अपना दिखाना है, पर हर चीज एक पेशेंस के साथ हैंडल करनी है। अगर आप हर चीज एक धैर्य के साथ करोगे तो आपको हर चीज मिलेगी। तो मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी है, और मैंने बहुत सारी चीजें मेरी सासू मां से भी सीखी है। बैलेंस किया दोनों को? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक जगह तो खैर सब कुछ आपको नहीं मिलता, लेकिन सब जगह में से थोड़ा थोड़ा उठा के अपने साथ चलना। अनु, ये जो टाइटल है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, किसी भी लेडी को अगर आफ्टर मैरिज इसमें जाना है तो क्या इसके लिए प्लेटफॉर्म, किस तरह से जाना है, कौन सी सिटी, कैसे आपको सिलेक्ट करनी है? पेजेंट के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ऑडिशंस के लिए जाना होता है। ऑडिशंस जितने भी हो रहे हैं आपको उनमें जाके सेलेक्ट। इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया से आपको, मेरे ख्याल तो साइट है जिससे हम चेक, मुझे फेसबुक से पता चला था। फेसबुक आपका बस अकाउंट रहता है और आपको इसमें अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आप अपना इंटरेस्ट डालिए। आप जैसे ही अपना इंटरेस्ट डालते हैं, जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो तो वो आपसे पूछते हैं आपके इंटरेस्ट क्या है। आप अपना अकाउंट में इंटरेस्ट डालिए तो आपको उसके एड्स आते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अब जैसे जैसे एड्स पे आप क्लिक करते जाइए, देखते जाइए, तो आपको पता चलता जाएगा।
और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने शरीर से, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने से प्यार करते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। मुझे ऐसा लगता है आपकी स्माइल आपको अट्रैक्ट करती है, तो लोग अपने आप आते हैं, वो अपने आप को ढूंढ लेते हैं। और सबसे बड़ा आपका पैशन, अगर आप में दिल से इच्छा है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, रास्ते मंजिल अपने आप दिख जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद को पहचानने की आवश्यकता है, खुद को पहचानने की आवश्यकता। लेकिन मैं जो आपकी बातों से मुझे जो लग रहा है कि आप की सबसे पहली जो सिद्धि इसमें रही वो आपकी डॉटर रही जिन्होंने आपको मोटिवेट किया। बिल्कुल, मेरी डॉटर मुझे आज भी मोटिवेट करती है, मम्मा आपको चॉकलेट नहीं खाना है, आपको याद है ना, आपको जानना है। कहा बेटा तो क्या खाऊं, मेरी बेटी उसके ऑल्टरनेट मुझे बताती है जो मैं उसको पहले सिखाती थी कि बेटा गुड़ बहुत अच्छा होता है, तो वो मुझे गुड़ लाकर दे देती है। अपने आपको कैसे रोक पाती है चॉकलेट से? उसको उसको उसका अपनी मम्मी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। गुड, ग्रेट। चलो अनु जी, आप हमारे साथ बनी रहिए, एक मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं अनु धानुका, जो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड के लिए सेलेक्ट हुई हैं। 10,000 वुमेन्स में से ये उन 100 सौभाग्यशाली महिलाओं में से हैं जिन्हें ग्रीस जाने का अवसर मिल रहा है। सितंबर में ये प्रेजेंट का फाइनल होगा और किस तरह की तैयारी अनु से जानेंगे हम। अनु, ये आपके लिए क्योंकि इतनी मेहनत की है, दो परिवारों से आपने अपने फेयर में किया उनको, तो अब तैयारी किस दौर में चल रही है आपकी? मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है, जो मैंने मेरी योगा से किया। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर रह चुकी हूँ, तो योगा कर करके मैंने अपना स्टैमिना बिल्ड किया। अपना वजन कम करने के लिए सबसे, किसी भी महिला को या किसी भी इंसान को वजन कम करने के लिए सबसे पहले आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, वो मैंने मेरा योगा से किया। फिर मैंने जुम्बा की ट्रेनिंग ली, मैं जुम्बा कर रही हूँ और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साथ में मैं डाइट, अच्छी डाइट फॉलो कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी मैं डाइट कर रही हूँ, बल्कि मैं क्लीन डाइट खा रही हूँ। क्लीन डाइट बोले तो मैं बहुत सारी सब्जियां खा रही हूँ, फल खा रही हूँ और अपने सोशल, अपने चारों तरफ लोगों को जागरूक कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ, ताकि जितना आप ज्यादा बात करते हो आपको पता चलता है दूसरे क्या गलती कर रहे हैं और आप क्या गलती कर रहे हो, तो आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ मिलके, मुझे, मैं कहूंगी सब लोगों ने, सब चीजों ने, सब लोगों ने एकदम से मुझे पुश किया है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। और सबसे बड़ा योगदान मेरे पति, मेरी बेटी कर रहा है। उन्होंने, अभी मेरी एक साल की बेटी है, वो घर पे है, वो मुझे पता इंतजार कर रही है, पर मेरे हस्बैंड पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज का कि मेरी अगर कोई इच्छा है तो उस चीज का पूरा ध्यान रखा जाए। चलिए, वैसे तो हमारा क्वेश्चन हॉबी को लेकर के सबसे लास्ट में होता है, लेकिन ये आपने बता दिया योगा, रेकी और जुम्बा के लिए आप खुद कर रही हैं अभी। हाँ जी। और क्या आपकी हॉबी है? मैं पेंटिंग करती हूँ। गुड। मेरे जैसे मुझे खाली समय मिलता है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें इतने सारे रंग होते हैं, मुझे रंगों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैंने जयपुर की होली आप हमेशा याद रखती होंगी। मुझे जयपुर की होली बहुत पसंद है, बिल्कुल। मैं बहुत, जब मैं छोटी थी मैं बहुत होली खेला करती थी। अनु, अभी इसके लिए कुछ बताया आप लोगों को कि जो स्टेज आपने कहा कि कैटवॉक होगा, एक दूसरा डांस होगा, तो डांस में उस वक्त आप लोग जैसे कहीं से निकाल के देते हैं कि ये ग्रुप है 10 का, इसमें से डांस आपको ये करना है, या आपकी चॉइस पे होगा? ये अभी बिल्कुल हमारी चॉइस पे होगा। उन्होंने, तो हमें डांस करेंगे, अभी हमें एक मिनट का हमें टाइम दिया गया है। मैं बेली डांसिंग के तरफ सोच रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बेली डांसिंग की तैयारी करने के लिए। पहले बिल्कुल एक्सरसाइज, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे एरोबिक्स होती है उस टाइप से ये भी। बिल्कुल। थोड़ा सा अपने बारे में मैं जानना चाहूंगा आपका कि अनु धानुका है जो यहाँ से, आप जयपुर की रहने वाली हैं यहाँ से, और ग्रीस में जब सितंबर में ये प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है जिसमें फाइनल होगा, वहां तक का जो सफर रहा, कौन अनु धानुका है, कैसे धानुका थी, या अनु का क्या नाम था, धानुका कैसे बनी, पूरा एक सफर चाहूंगा। कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ कॉलेज हुआ आपका? बिल्कुल। मेरा घर का नाम अनु टकसाली है, मैं टकसाली परिवार को बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही जयपुर का माना हुआ परिवार है।
हमारे दादाजी की टक्साल, पहले चांदी की टक्साल हुआ करती थी, तो वहाँ हाँ, तो वहां से हमारा नाम ये टक्साली पड़ा। वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट सोल्जर से किया, उसके बाद कनौड़िया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन खत्म करके अपनी मैंने मास्टर्स की स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी में। फिर उसके बाद मैंने लेक्चररशिप अपनी ऑप्ट करी, मैं कनौड़िया कॉलेज में लेक्चरर रही हूँ। उसके पहले मैं ऑफिस में काम किया करती थी एक डेढ़ साल। मम्मी ने कहा कि आपकी शादी हो जाएगी तो कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ, क्योंकि ऑफिस का टाइम बहुत ज्यादा होता था। फिर मैंने लेक्चररशिप की जॉब इसीलिए ऑप्ट करी। लेक्चररशिप करते करते मेरी शादी 2007 जनवरी में हो गई थी। वहां मेरे हस्बैंड यूएस में उस वक्त जॉब कर रहे थे कोक में, मैं हम लोग वहां पे मूव हो गए। और वहां पे हम लोग मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी, डिपेंडेंट वीजा के पे होने की वजह से मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती थी, तो और मैं खाली नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई वापस से शुरू की जाए। पढ़ाई वापस से शुरू करी मैंने एक्चुअरीज की, वहां पे मैंने 2-3 पेपर्स क्लियर करे अपने। और मुझे शुरू से स्पिरिचुअलिटी में बहुत शौक था, तो लकीली मेरे घर के पास मुझे एक रेकी मास्टर मिली। वो इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग से कि वो बहुत ऊंची पोजिशन पे थी, वहां से मैंने अपनी करुणा रेकी मास्टर डिग्री लेनी शुरू करी। वो करते करते फिर मुझे मेरी बेटी मिली 3 साल के बाद। हम लोग इंडिया शिफ्ट हुए, हम लोग का मूव बहुत सडन था। हम लोग इंडिया आए थे अपनी डॉटर की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो बैग में हम लोग सिर्फ 2 बैग लेकर आए थे, हम यूएस में सारा सामान छोड़कर आए थे। पर यहाँ आकर हम लोग का वीजा किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, तो हम कभी वापस ही नहीं गए। मेरा पूरा घर, पूरा सामान, मेरी सारी यादें, मेरी डिग्रीज, सारे सर्टिफिकेट सब यूएस में थे। यहाँ पे आके फिर मेरे हस्बैंड को उनकी जॉब कंपनी ने जॉब ऑफर की चेन्नई में, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा अब मैं मेरा सपना पूरा करूंगा। उनको शुरू से अपना बिजनेस करना था, हमने मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। और करते करते अभी हमारा 15,000 से ज्यादा गाड़ियां प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लोग जीपीएस का बिजनेस करते हैं जो सिक्योरिटी और सॉल्यूशंस में आता है। उसके बाद अभी लास्ट ईयर मुझे मेरी बेटी मिली छोटी, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। और मैंने अपना बिजनेस भी एक शुरू किया, इसमें सेफो बड़ी वॉचेस के नाम से, जो हमारी बच्चों को बहुत सेफ रखती हैं, जो मैं पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपनी सारे बच्चों के फ्रेंड्स को भी वही गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो वहां से धानुका परिवार में मेरी शादी हुई, तो वहां से मेरा नाम धानुका हुआ। आपने 2 बेटियां हैं आपके, इसे कंप्लीट फैमिली मानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक बेटा एक बेटी होना चाहिए? नहीं, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता। कहते हैं एक बेटा तब होता है जब आप बहुत भाग्यशाली होते हो, लेकिन बेटी तब होती है जब आप सौभाग्यशाली होते हो। क्या बात है, जब आपको सौभाग्य मिलते हैं तो आपको क्यों भाग्यशाली बनना है। ये बात आती है सामने, और मुझे लगता है कि बिल्कुल, मैं क्योंकि उन लोगों के लिए जवाब है आपका ये, कि जो जनरली ये बात सोच के चलते हैं कि नहीं एक बेटा तो होना चाहिए, 2 बेटी हैं, एक चांस और लीजिए, और ये कुछ बातें होती है, बेटा हो चाहे बेटी हो बिल्कुल बराबर, क्योंकि नजरिया नहीं बदलेगा समाज का तब तक ये सोच नहीं बदल सकती। और आपका जो सोशल एक सेक्टर आप लोगों को शायद दिया जाता है ब्यूटी प्रेजेंट में, चाहे कोई सा भी हो, तो क्योंकि लड़कियों के लिए बड़ा ही चल रहा है, 21वीं शताब्दी को समर्पित भी किया जा रहा है कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो इसके लिए कुछ करेंगे आप? बिल्कुल, मैं पिछले 2 साल से दो लड़कियों का SOS विलेज है करके, हाँ, बिल्कुल वहाँ बाल ग्राम जो है, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने चाइल्ड एजुकेशन स्पॉन्सर की हुई है पूरे साल की। मैं एक एनजीओ में लास्ट ईयर एक मेंबर भी बनी थी, जहाँ वो गरीब बच्चे, जो लोग बिल्कुल भी फीस नहीं दे सकते, जिन मजदूरों के जो बच्चे होते हैं, जो दिहाड़ी पे रहते हैं, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, तो मैं उसमें मेंबर हूँ। मैं वहां पे जाती हूँ और हाँ, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें करना। जैसे मैं अपनी बर्थडे पिछले साल मैंने अपनी जो मेरी बर्थडे थी मैंने अपनी SOS विलेज में मनाई, जहां पे मेरे को 10 लोग विश करते थे, वहां पे मुझे 200 बच्चों ने विश किया चारों तरफ से। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अनु, कुछ ऐसे लाइफ के कुछ क्षण होते हैं जो कोई ऐसा आपको यादगार पल हो, रोमांचित कर देता हो, दुखी भी करता हो और बहुत खुशी भी पैदा करता हो? मैं मेरे पापा मम्मी से बहुत अटैच हूँ। मैं जयपुर से कभी बाहर नहीं निकली, हम यहीं पे पली, यहीं पे बड़ी। शादी होते ही 10-15 दिन में मैं यूएस चली गई,
यूएस और इंडिया एकदम ऑपोजिट है, यहाँ पे दिन वहां पे रात। मैं अपने मम्मी पापा से बात कर समय की वजह से बात नहीं, मतलब कम, बहुत कम हो पाती थी। हस्बैंड नौकरी पे जाते थे, मैं जॉब नहीं कर सकती थी जैसे मैंने बताया, तो इस वजह से मैं पापा को बहुत मिस करती थी। लेकिन हस्बैंड जब घर पे आते थे, गुंजन, वो आके मुझे इतना प्यार देते थे कि मुझे पापा की कमी उस वक्त महसूस नहीं होती थी। साथ में उन्होंने मेरी वो हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की जो पापा करते थे। तो ये सब चीजें सोचती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा वो हो जाता है मुझे। कुछ शौक है आपको? खाना पीना, गाना गाना, बुक्स पढ़ना, खेलना? हाँ, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है और फ्री टाइम में मैं पेंटिंग बहुत करती हूँ जी। खाना बनाना, मुझे खाना बनाने से मेरा स्ट्रेस बस्टर होता है। सब लोग मुझे कहते हैं, ये जब भी घर पे कोई आता है, मैं खाना खिलाए बिना मैं नहीं भेज सकती। मुझे बहुत शौक, जब कोई खाना खाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मेरे हाथ का खाता है तो मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती है। चलिए, आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि जो बिल्कुल आप भी एक माँ बनने के बाद में आपको लगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए? क्योंकि आफ्टर मैरिज लड़कियां अक्सर सुनते हैं जनरली कि अब शादी हो गई, अब तो क्या, बस अब बंद गए। तो मुझे लगता है कि आप जैसी महिलाएं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो सकती हैं कि नहीं, बहुत कुछ है जिंदगी में, एंड नहीं होता, जब तक आपकी लाइफ है बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगी कि हाँ बिल्कुल आप निकलिए, बिल्कुल आप इसे चौकाबारी से या घर की चार दीवारी से कुछ करने के लिए? हमारी जिंदगी मुझे लगता है तभी खत्म हो जाती है जब हमारे दिमाग में हम लोग ये सोच लेते हैं। हम जब तक सोचते रहेंगे, हम जब तक जान है तब तक जहान है। तो किसी भी चीज को लेकर अगर हमारी शादी हुई है तो हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, एक नया दौर हमारी जिंदगी में आया है, तो उसको अपनाकर हमें और आगे बढ़ना है। हमारे अगर बच्चे हुए तो आप सोचिए कि बच्चे अब हमारी जिम्मेदारियां बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज भी बढ़ी है। तभी हमें कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। एक महिला में जितनी शक्ति होती है कि वो सब चीजों को बांध के एक साथ आगे चल सकती है, हमें प्रूव करने की देरी है। अगर हम इस चीज को प्रूव करेंगे तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हमें जरूरत है कि हाथ में हाथ मिला के चलने की, एक महिला को सपोर्ट करने की। आप कभी नहीं सुनेंगे कि एक महिला की ससुर जी से लड़ाई हुई या फिर देवर से लड़ाई हुई। आप हमेशा सुनते हैं कि सास बहू, ननद भाभी, देवरानी जेठानी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिला ही महिला को सपोर्ट नहीं करती। सबसे ज्यादा जरूरी है महिला को सपोर्ट करना और एक दूसरे का साथ बनके, सहारा बनके, मुट्ठी बनके आगे बढ़ना। चलिए, खैर आपने बता दिया सारा कि परिवार के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। कई बार ये ही बात सुनने को मिलती है कि वो शादी के बाद महारानी अच्छा ब्यूटी प्रेजेंट में भी जाएंगी, कहीं ये तो नहीं सुनना मिला आपको? नहीं, मुझे मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे बहुत ही प्यार करने वाले सास ससुर और मेरी नंदे मिली। पर हाँ, ऐसा होना बहुत बहुत नॉर्मल है। होता क्या है, ये ऐसा तब होता है जब हम सब चीजें जिम्मेदारियां छोड़कर हम सिर्फ एक चीज में लग जाते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये मेरी गलती है। मुझे सोचना चाहिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और जिनकी वजह से मैं आज आगे जा रही हूँ, मैं मुझे उनको छोड़ के आगे नहीं जाना। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको स्टेयर करना होगा। अगर आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे जाओगे, उनको आगे समझाकर, भले आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा होगी, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उसकी खुशी चौगुनी होगी, इतना मुझे पक्का पता है। अनु जी, देखिए वैसे तो हमारे यहाँ पे जो भी आते हैं गेस्ट, डायलॉग, एक गाना कुछ सुनाते हैं, अगर आप भी दर्शकों को कुछ सुना सकें। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, हर एक महिला को, हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, जो मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है, जब भी जिंदगी जियो पूरे पूरे जोश से जियो, और जब भी कोई डिसीजन लो पूरे शांति, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए फिर पूरे धैर्य से लो। पावर, पेशेंस एंड पीस, ये तीन जिंदगी की की है। पावर दिखाओ जहां पे दिखाना है, पैशन दिखाओ जहां पे आपको, आप अपने आप को प्रूव कर सको, लेकिन अपने धैर्य को मत गवाओ। अपने प्यार जो एक नारी को संबोधित करता है, नारी एक प्यार का रूप है, उसको कभी भी मत छोड़ो। शुक्रिया अनु, आप हमारे साथ में जुड़ी और काफी चीजें आपने हमारे साथ में शेयर की हैं, और हम जन टीवी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप ग्रीस जा रही हैं, वो टाइटल जीत के आए और
एक बार फिर आपका इंतजार करेगा ये स्टूडियो, हमारे दर्शक इंतजार करेंगे कि आप याद रखेंगे जन टीवी को और वापस लौट करके आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। तो एक मुलाकात में ये थी अनु धानुका जो हमारे साथ में जुड़ी हैं और हमें शुभकामनाएं दी आपकी ओर से भी, और ईश्वर इनकी इच्छा जरूर पूरी करे और ये वो ताज इनके सर पे हो और हम यहाँ पे एक बार फिर आपके सामने बैठेंगे। चलिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।